ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। हम आज पढ़ेंगे ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन के बारे में। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन क्या है, जरा इसके बारे में सुनते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन को दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जिसका नाम है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, तो कहा जा रहा है कि ए स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब होता है कि एक ही पाथ पर, यानी एक ही स्ट्रेट पाथ पर मोशन किसी भी बॉडी का उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब ये कि अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है, रिजिड बॉडी का मतलब होता है कि एक ऐसी बॉडी जिसका शेप और साइज चेंज ना हो यदि हम फोर्स लगाएं तो ऐसी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। तो मान लेते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, एक रिजिड बॉडी है। मान लेते हैं ये हमारे लिए एक रिजिड बॉडी है, इसके ऊपर हमने क्या किया, कुछ फोर्स लगाया। जब हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट की शेप और साइज नहीं बदलेगी, यानी जो हमने फोर्स लगाया है उस फोर्स का यूज होकर क्या होगा, ये बॉडी अपने पोजीशन को क्या कर देगी, ट्रांसलेट कर देगी, यानी चेंज कर देगी। ये बॉडी अपने पोजीशन को क्या कर देगी, बदल देगी, ट्रांसलेट कर जाएगी इस पोजिशन से इस पोजिशन। तो हुआ क्या है कि हमने एफ अमाउंट का जो फोर्स लगाया है तो ये बॉडी उसी डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर गई है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, और ये बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पर मोशन की है। तो ऐसा मोशन जिसमें एक फोर्स लगाने पर, जिसमें जब हम फोर्स लगाए रिजिड बॉडी पर, तो ये बॉडी उसी डायरेक्शन में मोशन करे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया हो, और साथ में उसी स्ट्रेट पाथ पर मोशन करे। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन। दूसरा एग्जांपल, दूसरा लीजिए, दूसरा क्या बताया गया इसमें, रोटेशनल मोशन क्या होता है। तो मोशन डिस्क्राइब बाय अ रिजिड बॉडी अबाउट ए पिवोटेड पॉइंट और एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी क्या कर दे, रिजिड बॉडी को एक पार्टिकुलर पॉइंट से फिक्स कर दे और जब फोर्स लगाए उस बॉडी के ऊपर तो वो बॉडी रोटेट कर जाए, तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि ये हमने एक रिजिड बॉडी ले लिया, रिजिड बॉडी को इस पॉइंट से फिक्स कर दिया। ये कैसा पॉइंट है, तो पिवोटेड पॉइंट, पिवोटेड पॉइंट, या कह सकते हैं हम लोग फिक्स्ड पॉइंट। इस फिक्स्ड पॉइंट से हमने क्या कर दिया, इस बॉडी को फिक्स कर दिया। अब इससे क्या होगा, जब हम इसके ऊपर यहां से फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी क्या कर जाएगी, जब इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी यहां से रोटेट कर जाएगी। तो इस कंडीशन में जो मोशन होगा, ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। क्योंकि जब बॉडी को हम किसी एक पॉइंट पर फिक्स कर देंगे और फिक्स करने के बाद जब फोर्स लगाएंगे इस बॉडी के ऊपर तो बॉडी क्या कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी। तो ऐसा मोशन जिसमें बॉडी रोटेट करे तब जब हम किसी पॉइंट पर उसको फिक्स कर दे तब, तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। तो ये हो गया हमारे पास ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन।